हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर्स लाइब्रेरी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंडाइसिस को डाले थे, ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे जिन लोगों ने नहीं देखा है। और आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट्स के बारे में। शॉर्ट्स के जो देखिए कुछ रूल्स है, ठीक है, जो कुछ लॉज हैं जिसको हमने लिख दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। और इसको हम फर्दर समझते हैं। देखिए, शॉर्ट्स एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे शॉर्ट्स क्या होता है। शॉर्ट्स वो होता है जिसको फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। शॉर्ट्स वो चीज़ होता है जिसको फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए कि रूट टू जो करने टू होते हैं, टू का जो एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, 1.414... इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। ये क्या जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, इसका एक कंप्लीट वैल्यू नहीं होता है। अगर मान लीजिए इसका रूट जो हटेगा, ठीक है, जब रूट हटता है ये, तो 2 के पावर 1/2 हाफ होता है ना जी, तो ऐसा कोई अंक है जिसको गुना दो बार गुना करने पर, दो बार मल्टीप्लाई करने पर, ऐसा कोई अंक है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पर हमको 2 आ जाए, नहीं है। इसलिए ये क्या है, ये एक शॉर्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज समझिए, एक बात को आप अच्छे से समझिए। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। अब बताना है आपको, जैसे ये है रूट 16, ठीक है, और आपको देते हैं ये 4√16 3√7, ठीक है, 7 है अंडर रूट में, ये लिखते हैं अच्छे से, ये है अंडर रूट करनी में और ये आ गया 4। यानी कि देखिए, जो अंडर रूट के अंदर आता है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकेंड, और उसके जो एन जो पावर इसमें लगा हुआ है बगल में, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ शॉर्ट। तो इसका 16 का ऑर्डर ऑफ शॉर्ट दिए 4 और इधर दिए हैं 7 का ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स क्या है, 3 है, मतलब क्यूब है। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें बताइए शॉर्ट्स होगा कौन, इसमें शॉर्ट्स कौन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस 16 को जब बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 होते, ये ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स कितना है, 4 है, यानी 16 का 1/4। तो कोई ऐसा अंक है जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमको 18 आ जाए, बिल्कुल है। आप 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16, तो 2 का पावर 4 करते हैं, 1/4 करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स नहीं है, क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाइड हो रहा है ये। देखिए 3 का पावर, और देखिए ये हो गया 7 का 1/3, तो एक कोई ऐसा अंक है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 7 आ जाए, नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ये आपका शॉर्ट्स हो गया, ठीक है, ये आपका शॉर्ट्स हो गया। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट रियल वर्ड कैसे करता है। और देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, देखिए x बराबर है आपका x^n बराबर आपका है a, ठीक है, a है। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है। अगर x^n बराबर a है तो x बराबर क्या होगा, आपको दिख रहा है कि नहीं, x^n बराबर a है तो x बराबर क्या होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे nth रूट से, तो x^1/n बराबर हो जाएगा क्या, x की पावर n है ना, तो x^n क्या 1/n करेंगे दोनों तरफ nth करेंगे, तो 1/n इधर हो जाएगा, तो x^ क्या होगा, n, इससे n से n खत्म, तो x^ क्या हो जाएगा, 1 के पावर 1/n, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये शॉर्ट्स का मेन रूल यही है कि a देखिए कर्णी के अंदर है, रेडिकेंट क्या है, a है, और क्या है, ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स n दिया हुआ है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 के पावर 1/n। तो ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपके है कि दिया हुआ है x^5, इसको मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अगर अच्छा मिटा दे, रुको एक चीज बता, भूल गया। देखो इसमें क्या करना था, जो क्या था क्वेश्चन, कि x^n बराबर ये था ना, तो x निकालना था, तो हम क्या किए थे, x^ क्या किए, 1/n किए बराबर 1 a^1/n किए, ठीक है। तो क्या किए थे, x^n और उसका क्या करें, 1/n कर दिए थे उधर भी 1/n, तो 1/n से यहाँ n कट गया था, तो x^x^ कितना निकल गया था हमारा, 1 का पावर 1/n। अगर इसको रेडिकेंट पर लिखना रहेगा तो क्या करेंगे,
ए क्या आ जाएगा, ए अंदर आ जाएगा रेडिकेंट के अंदर, ठीक, इसको रेडिकेंट बोलते हैं रूट के अंदर, और इसके बाहर क्या लिख देंगे एन। देखिए आपका ये फॉर्मूला हो गया ना ब्रो, ये जो फॉर्मूला पहले वाला है, ठीक है, ये हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स की पावर आपको दिया हुआ है 5 बराबर है आपका 16, तो एक्स बराबर क्या होगा, ये वैल्यू आपको निकालना है कि एक्स की पावर 5 दिया हुआ है बराबर है 16, तो एक्स बराबर क्या होगा, इसको क्या निकालेंगे, एक्स की जगह क्या डालेंगे, बताइए। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है। एक्स की पावर 1/5 है तो क्या किया जाएगा, हमको यहाँ पर क्या लेना होगा, फिफ्थ रूट लेना होगा, फिफ्थ टर्म लेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स की पावर 5 का 1/5 लेंगे बराबर 16 का भी क्या कर लेंगे, 1/5 कर लेंगे, ठीक, 1/5 कर लेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 16 का 1/5, ये हो जाएगा। अब बताइए कोई ऐसा संख्या है, कोई ऐसा संख्या है जो जिसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमको 16 आ जाए, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, नहीं ये तो 4 ही टाइम है 3, फिर 2 से कर लेते हैं, 3 से देखें 3 तिया 9 तिया 27, लेकिन ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या आ जाए, 16 मिल जाए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, शॉर्ट्स के फॉर्म में, देखिए तो इसको क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स क्या हो जाएगा, इसका रेडिकल हो जाएगा इसका 16, और ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स क्या हो जाएगा इसका 5। ये आपको ऐसे ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे आपको क्या करना है, शॉर्ट्स के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, और सारे क्वेश्चन हैं इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये पहला आपका हो गया, दूसरा दिखा हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि रूट अंडर दिया है ए इंटू बी है, उसका रेडिकल के अंदर क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स क्या है, एन है। ए और बी दोनों का क्या वेरिएबल का क्या है, ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स एन है। तो इसको हम क्यों ए लिख सकते हैं, रूट अंडर ए का ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स एन इंटू बी, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये बी नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका बी और ये ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के पावर क्या 1/n, क्योंकि रूट हटने पर क्या हो जाता है 1/n में होता है, इंटू बी टू पावर 1/n, तो ए इंटू बी बराबर ए इज टू बी का 1/n, ठीक है। तो ये सारे लॉज है आपको याद करने हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर सारे, चलिए तीसरा भी समझ ही लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखिए ए दिया है, देखिए इसका भी इसी तरह से, देखिए क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर है ए बाई बी का ऑर्डर ऑफ क्या है, ऑर्डर शॉर्ट से एन है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए के पावर ऑर्डर ऑफ शॉर्ट से एन है, तो ये भी हो जाएगा 1/n बटा में बी का 1/n, होगा ना जी, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इजिली, ए बाई बी का ऑर्डर ऑफ क्या पावर 1/n, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तीसरा हो गया, अब चौथा समझिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको आएगा, ठीक है, समझने के लिए। इसमें क्या किया जाएगा, देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि आपको इसमें ना पावर जो है उसको इधर उधर चेंज कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे समझेंगे, देखिए जैसे ये दिया है क्या, रूट अंडर ए का दिया ऑर्डर ऑफ क्या है, पावर एन है, ऑर्डर ऑफ शॉर्ट्स एन का, और उसका क्या होल एम है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का 1/n का होल एम लिख सकते हैं, तो बराबर लिख सकते हैं क्या, ए का पावर क्या लिख सकते हैं, ए का पावर एम बाई एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए रूट अंडर ई टू दी पावर हम एम का ऑर्डर ऑफ पावर एन लिखते हैं, तो इसका क्या होगा, इसका भी यही होगा, ए टू दी पावर एम का पावर क्या हो जाएगा 1/n, तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, ए के पावर एम बाई एन हो गया, हुआ ना जी, ए टू दी पावर एम बाई एन दिख रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है, इसके लिए दिखा रहे हैं, देखिए फोर्थ वाले के लिए कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आप ले रहे हैं यहाँ पे 4, ठीक है, और इसका ऑर्डर ले लेते हैं यहाँ पे ऑर्डर टर्म्स 5 का पावर क्या लिखते हैं, क्या ले लेते हैं 2, ठीक है, और एक जगह ले लेते हैं आपको अंडर रूट
फोर, सॉरी ये समझ में आ गया आपको, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दिए, फाइव लिए थे तो इसका फाइव लेते हैं, और ये ऑर्डर का होल का स्क्वायर कर देते हैं, इसका फोर का स्क्वायर करते हैं। क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं? क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं? आप देखिए कैसे बराबर होते हैं। देखिए इस पर इसको किया जाएगा, इसको क्या करना है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, फोर है, ऑर्डर क्या है वन बाई फाइव, तो इसका हो जाएगा फोर के पावर वन बाई फाइव इंटू होल स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा आपको कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या टू बाई फाइव। बराबर देखिए इसका, देखिए ये फोर है, फोर के पावर टू है, और इसका वर्ड ऑफ क्या होगा वन बाई टू, तो ये भी देखिए टू इंटू टू हो जाएगा ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा फोर का पावर टू बाई फाइव हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर देंगे, पावर आप चेंज, ऐसा जब कंडीशन रहेगा तो आप पावर से पावर के साथ खेल सकते हैं, इसको अंदर ला सकते हैं बाहर कर सकते हैं, ठीक है, जब ऐसा कंडीशन रहे तब, ठीक है। आइए फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, पांचवा नंबर समझते हैं, पांचवे नंबर पे समझते हैं। पांचवा नंबर पे क्या देखिए दिया हुआ है रूट, ठीक है, ए का ऑर्डर ऑफ द पावर क्या है, ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स एन है, उसका भी क्या है होल पावर क्या है एन है, तो देखिए ए का ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स एन है, तो ए का वन बाई एन हो जाएगा, एन के पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका ए के पावर एन बटा में एन, एन से एन कैंसिल, तो हो ये देखिए बराबर हो गया ए तक, ठीक, ये हो गया आपका बराबर ए, ठीक है, ये वाला ठीक है। चलिए और ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्या दिया है देखिए, लास्ट वाले को समझते हैं, ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये दिया हुआ है रूट अंडर, रूट के अंदर भी एक रूट है, ए का ऑर्डर ऑफ पावर क्या है एन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स एम है, और यहाँ पर दिया हुआ है ये ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स है, ठीक है, इसका रूट इधर दिया हुआ है, इसका एन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए का दिए सबसे पहले एन वाला, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एम है ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स ए का, और उसको हम होल पावर क्या वन बाई एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी, अब लिख सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको बाहर निकालिए, तो इसको ए का वन बाई एम का होल पावर क्या वन बाई एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बराबर क्या लिख सकते हैं हम आपको ए, और ये क्या होगा वन बाई एम इंटू वन बाई एन, यानी कि ए के पावर क्या लिख सकते हैं वन बाई एम इंटू एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब ऑर्डर ऑफ सॉर्ट्स के रूप में इसको लिखना होगा तो क्या करेंगे, रूट अंडर ए, ऑर्डर ऑफ सॉर्ट क्या होगा एम इंटू एम और एन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, एमटीएस, ऐसे मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उससे जो शॉर्ट्स इंडेक्स क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो दोस्तों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया है कि अंडर रूट बारह, अंडर रूट बारह, अंडर रूट बारह, अंडर रूट बारह इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वैल्यू पूछना है, बताना है, ठीक है। तो इसको देखिए जब भी ऐसा पैटर्न आए, पहले पैटर्न देख लेना है कि देखिए कंटिन्यूअस फॉर्म में अंडर रूट ट्वेल्व, अंडर रूट ट्वेल्व, अंडर रूट ट्वेल्व इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्वेल्व ही हो जाएगा, ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर ट्वेल्व ही हो जाएगा। अब कैसे आप बोले सर बेसिक बता दीजिए, देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए, मान लेते हैं, ठीक है, एक ये क्या है, ये एक्स बराबर है अंडर रूट ट्वेल्व, अंडर रूट ट्वेल्व, अंडर रूट ट्वेल्व, अंडर रूट ट्वेल्व, ठीक है, तो मान एक्स बराबर, देखिए एक्स बराबर क्या मान है कि अंडर रूट ट्वेल्व, अंडर रूट ट्वेल्व और अंडर रूट, देखिए अंडर रूट ट्वेल्व, अंडर रूट ट्वेल्व, अंडर रूट ट्वेल्व माने, ठीक है, तो एक्स जो है हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स बराबर अंडर रूट ट्वेल्व एक्स, क्योंकि एक्स ही है ना, एक्स ही माने हैं, एक्स ही माने हैं ना जी, इसको x ही माने हैं, तो इसको क्या करें, अगर हम इस क्या करेंगे, इसको रूट हटाना है, तो रूट का हटाने की क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और रूट स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 12x, अब x के पावर देखिए जीरो तो हो नहीं सकता है, ये वन ही होगा, तो एक x से एक x खत्म, तो x बराबर 12, ऐसे भी आपका आंसर आ गया, ये भी आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, तो बड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, हम चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ही वीडियो बने, तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं वो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे
तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके सारे क्वेश्चन जो सर्ट्स के हैं, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो SSC रेलवे वगैरह में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।